हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th की इंग्लिश मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट देखा था। फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, तो लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम देखने वाले हैं लॉस्ट चाइल्ड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम क्या देखेंगे कि जो एक बच्चा है, ये फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज्य आनंद द्वारा लिखा गया है, बेहतरीन पार्ट है। एक बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है और पूरी तैयारी और पूरे एक्साइटमेंट के साथ जाता है कि मेले में घूमना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। और जब जैसे वो जाता है तो रास्ते में क्या करता है, अपने माता पिता के साथ में जाता है तो जगह जगह वो उनसे बिछड़ जाता है। बिछड़ जाता है यानी कि जगह जगह रुक जाता है, कभी ये चीज देखने रुक जाता है, कभी वो चीज देखने रुक जाता है। और बार बार उसके माता पिता उसको आवाज लगाते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ। और इस प्रकार वो अपने माता पिता के साथ में मेले में प्रवेश करता है। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आगे हम पढ़ते हैं। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। और जैसे ही बच्चा उस गांव के पास पहुंचता है, इस गांव में मेला लगा हुआ होता है, तो वो क्या देख सकता था, क्या देख पाता है कि वहां पर बहुत सारे फुटपाथ्स हैं, यानी कि छोटे छोटे रास्ते हैं जो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स यानी कि लोगों की भीड़ है ना, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर वो देखता है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग का अर्थ होता है मिलना, टू द वर्लपूल ऑफ फेयर यानी कि मेले के भंवर में, यानी वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है और सारी जो भीड़ है वो कहाँ पे मिलना चाहती है, उस मेले के भंवर में मिलना चाहती है, यानी मेले पर ऐसा दृश्य देखता है कि बहुत भीड़ है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और वहाँ उसके अंदर दो इमोशंस आते हैं, उसके अंदर दो फीलिंग्स आती है। पहली है रिपेल्ड, रिपेल्ड यानी कि अलग थलग रहना चाहता है, दूसरी होती है फैसिनेटेड यानी कि आकर्षित होता है, यानी कि वहाँ उस दुनिया में, जिस दुनिया में वो प्रवेश कर रहा है उसमें सोचता है कि मैं कहाँ आ गया। और उसके अंदर दो फीलिंग्स आती है कि या तो मैं थोड़ा भीड़ से अलग हो जाऊं, या फिर दूसरी फीलिंग आती है कि वो भीड़ द्वारा आकर्षित होता है। तो जैसे वो मेले में प्रवेश करता है तो बच्चा बहुत भीड़ देखता है और भीड़ से थोड़ा डरता भी है और थोड़ा आकर्षित भी होता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, अब वो जैसे मेले में जाता है तो सबसे पहले एक स्वीट मीट यानी कि मिठाई की दुकान पे जो मिठाई बेचने वाला हॉक्ड यानी कि चिल्लाता है, बेचने की ऐसे आवाज लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एट ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। वहाँ आवाज लगाता है, कैसी आवाज लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इस प्रकार की आवाज लगाता है और लोग उसको एक पैर के ऊपर खड़ा होकर उसकी मिठाइयों को ऐसे देखते हैं जैसे किसी आर्किटेक्चर ने अलग अलग कलर की जो मिठाइयों को डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, यानी कि ऐसे डेकोरेट करके रखा है उनके ऊपर जो वो परत चढ़ी होती है ना, जैसे सिल्वर की या गोल्ड की, इस प्रकार सुनहरी पन्नियों को लपेट के रखा है। देखते हैं हम कि किस प्रकार जो है मिठाई वाला दुकानदार जो है वो मिठाई बेच रहा है, उसका दृश्य भी हमने आपके लिए लेके आए हैं इस प्रकार से, है ना। ये बैठा है और ये अपनी मिठाइयों को इस प्रकार सजा के बैठा है जैसे कि कोई एक मंजिल दो मंजिल इमारत हो, तो इस प्रकार इसको कहा गया है कि आर्किटेक्चर की भांति, है ना, ये थाल में कुछ लिए है बूंदी और ये मिठाइयाँ वगैरह है और ये रसगुल्ले रखे हैं डिब्बे में, तो इन सारी चीजों को रखे बैठा है और बिल्कुल आवाज लगा रहा है कि रसगुल्ले ले लो, गुलाब जामुन ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। जो बच्चा है वो क्या है, स्टेड ओपन आइड, स्टेड का अर्थ होता है एक सार देखना, खुली आंखों से एक सार देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, किसको देख के, बर्फी को देख के, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाता है, मर्मर्ड यानी बड़बड़ाना कि मुझे ये बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन वहाँ हाफ न्यू यानी आधे मन से जानता है, अच्छे से जानता है कि उसकी प्रार्थना, उसके निवेदन, उसकी भावनाओं का उसके माता पिता के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो बिल्कुल भी हीड नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पेरेंट्स उसको कहेंगे कि तू तो लालची हो गया है,
है ना। तो तेरे को तो दिन भर खाने ही खाने की पड़ी रहती है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए यानी उसके माता पिता क्या कहते हैं वहां वहां से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले कॉर्नर पर ही क्या मिलता है उसको, मिठाई वाला मिलता है, लेकिन मिठाई वाले की बर्फी देख के उसके मुंह में पानी आता है और वो टकटकी लगा के उसको देखता भी है, पर उसका दिमाग में क्या है कि उसको पता है कि उसके माता पिता जो उसको नहीं दिलवाएंगे, इसलिए वहां से आगे बढ़ जाता है। हम भी आगे बढ़ते हैं। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब क्या होता है, एक दूसरा दुकानदार, फ्लावर सेलर, फ्लावर सेलर यानी कि फूल बेचने वाला, फूल बेचता है, कैसे बेचता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ऐसे चिल्लाता है वो कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रॉन, इरेस्टिबली का अर्थ होता है कि बहुत ही लुभावने यानी कि मनमोहक, ड्रॉन यानी कि मुरझाए हुए और लुभावने चेहरे से देखता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वह उस जगह पर जाता है जहां पर फूलों की जो है डलिया भरी है और एक फूलों का ढेर लगा हुआ है, और वहां पर भी वो मर्मर्ड करता है यानी आधे मुंह से बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। इसको भी हम देखते हैं कि किस प्रकार फूलों की दुकान जो है, देखते हैं इसका दृश्य, फूलों की दुकान वाला दृश्य हमारे सामने। चलिए देखते हैं फूल बेचने वाले का, हम इमेजिन कर सकते हैं कि फूलों की जो दुकान होती है उस पर फूल कैसे बेचे जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जाने के बाद वो आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वो अपने आप से कहता है कि मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, लेकिन उसको पता भी है ये साथ में कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे कि जो है ये माला जो होती है ये कोई काम की चीज नहीं होती, इसका क्या करेंगे, है ना। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, इस बार भी वहां बिना उत्तर का इंतजार किए वहां से चल देता है। आगे बढ़ते हैं। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब आगे जैसे वो जाता है तो एक व्यक्ति उसको खड़ा है बलून हाथ में लेकर दिखाई देता है, और उसके पास क्या है, येलो रेड ग्रीन पर्पल ऐसे इस कलर के बैलून है जो कि हवा में उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्ड, जो बच्चा है वो कैरिड अवे यानी कि लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है कि इंद्रधनुषी रंगों जैसे जो कलर के बैलून है और जो रेशमी उनके कलर है उनको चाहता है। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल, और उसके अंदर अत्यधिक प्रबल लालसा है कि वो उन सबको ले लें। अब आगे देखते हैं हम कि लालसा है तो देखते हैं बलून वाला कैसे बलून बेचता है, ये है ना, ये खड़ा है बैलून लेकर, उसके पास अलग अलग कलर के बैलून है, बच्चा चाहता है कि मैं सारे बैलून खरीद लूं, लेकिन उसको साथ में ये भी पता है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, उसको ये भी पता है कि उसके माता पिता उसको नहीं खरीद के देंगे क्योंकि वो ऐसा बोल देंगे कि अब तू बड़ा हो गया कि तेरी उम्र है क्या बैलून से खेलने की। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ता है तो उसे कौन मिलता है, स्नैक चार्मर स्टूड प्लाइंग ए फ्लूट टू ए स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक सपेरा मिलता है, स्नेक चार्मर का अर्थ होता है सपेरा मिलता है, और वो सपेरा क्या करता है, फ्लूट यानी कि बीन बजाता है टू ए स्नेक, स्नेक के सामने, और स्नेक कहाँ पर बैठा है, एक बास्केट में कॉइल्ड यानी कुंडली मार के बैठा है। इट्स हेड राइज्ड इन द ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, उसका जो सिर है, किसका, सांप का जो सिर है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ऐसे ऊपर उठ रहा है जैसे कि स्वैन यानी हंस की गर्दन रहते हैं लंबी इस प्रकार से। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि जो म्यूजिक था वो उसके अदृश्य कानों में जा रहा था यानी सांप के कान दिखाई नहीं देते, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, किस प्रकार दिखाई दे रहा था, जैसे कि एक झरने की छोटी लहर है ना, छोटी लहर झरने की होती है वो जैसे डोलती है, ऐसे वो उस म्यूजिक के कारण क्या कर रहा था, डोल रहा था इधर से इधर। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड कहाँ गया, उस स्नेक चार्मर के पास गया, सपेरे के पास गया, बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन यह वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे इस प्रकार का म्यूजिक सुनने के लिए, जैसे वो बीन बजा रहा था ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए मना कर देंगे। ही
प्रोसीडेड फर्दर, तो वहां आगे बढ़ जाता है। यानी हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मिठाई वाले के पास जाता है, लेकिन उसको पता है कि माता पिता मिठाई नहीं दिलवाएंगे। इसके बाद वहाँ एक फूल बेचने वाले के पास जाता है, फिर थर्ड में वहाँ एक बैलून वाले के पास जाता है, फोर्थ में वह एक सपेरे से मिलता है। अब देर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि एक चक्री वाला झूला, एक छोटा झूला जैसे हम देखते हैं ऐसा होता है छोटा झूला ये वाला, ठीक है। और ये चक्री वाला झूला था, चक्री वाले झूले के ऊपर बहुत सारे लोग झूल रहे थे, उसको देखता है, ये सपेरा है ठीक है, ये बीन बजाता है, इसको भी उसने देखा, ये बैलून वाले को देखा, मिठाई वाले को देखा। अब क्या होता है कि देर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक चक्री वाला झूला पूरे स्विंग एंड पूरे इसमें चक्कर से झूल रहा था, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन, कुछ पुरुष कुछ महिलाएं कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, वर्लिंग मोशन में, वर्लिंग यानी कि बिल्कुल घुमावदार जैसे कह सकते हैं चक्करदार मोशन में झूल रहे थे, श्रिक डेंट क्राइड चीख रहे थे चिल्ला रहे थे, फिर डिजी लाफ्टर मतलब साथ में हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वैज देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उनको वाच भी करता है, बच्चे ने उनको देखा और कैसे देखा, इंटेंटली यानी उत्सुकता पूर्वक देखा और मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पर उसने एक बोल्ड यानी कि बहुत ही प्रबल निवेदन किया, क्या निवेदन किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, उसने कहा कि माता पिता मैं भी इस राउंड अबाउट पे इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। अब माता पिता से जैसे उसने प्रश्न पूछा तो क्या होता है, देर वॉज नो रिप्लाई, यानी कि वहां पर क्या नहीं होता है, रिप्लाई नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वहां अपने माता पिता को देखने के लिए टर्न करता है, मुड़ता है, दे वेयर नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर नहीं है, अहेड ऑफ हिम उसके आगे भी नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दोनों साइड मुड़ता है, दे वेयर नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, यहाँ पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं है। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, क्या होता है कि जैसे वो सोचता है कि उसके माता पिता नहीं है खो गए हैं, तो उसके अंदर से एक फुल डीप क्राई यानी अंदर से एक क्राई चीख निकलती है, कि कहाँ से निकलती है, उसके सूखे हुए गले से, विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में एक झटका मारता है वो एकदम से, और उस जगह जहाँ पे वो खड़ा था वहां से दौड़ लगा देता है, क्राइंग इन रियल फियर, और बिल्कुल भयभीत होकर दौड़ता है, मदर फादर माता पिता ऐसा चिल्लाता है, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे हैं, हॉट एंड फियर्स बिल्कुल गर्म और जो है फियर्स यानी भीषण आंसू निकल रहे हैं। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका जो उत्तेजित चेहरा था उसमें एक ऐठन आ जाती है, निस्तेज हो जाता है ना, डर के मारे वो बिल्कुल निस्तेज चेहरा हो जाता है उसका। पैनिक स्ट्रिकन का अर्थ होता है कि घबराया हुआ, बहुत ही डरा हुआ, बिल्कुल घबराया है डरा है। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वह एक तरफ दौड़ता है, देन टू अदर, इसके बाद वह दूसरी साइड दौड़ता है। हिदर एंड दिदर का अर्थ होता है यहाँ वहाँ, एक नया शब्द देखिए आपको मिला है, हिदर एंड दिदर यानी यहाँ वहाँ इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में यहाँ वहाँ दौड़ता है, नोविंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता कि किधर जाए। मदर फादर ही वाइल्ड, वाइल्ड यानी कि चिल्लाना चीखना रोना, माता पिता का नाम लेके वह रो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या दृश्य क्रिएट होता है कि बच्चा सब चीजों की तरफ ध्यान देते देते अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, माता पिता के लिए चिल्लाता है, यहाँ वहां दौड़ता है, लेकिन उसको कहीं भी उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो का अर्थ होता है इधर उधर, है ना, टू एंड हिधर एंड इधर का अर्थ होता है यहाँ वहां, और टू एंड फ्रो का अर्थ होता है इधर उधर, वो दौड़ता है इधर उधर इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, यानी कि गुस्से में क्रोध में अपने आप से क्रोध कर रहा है, दौड़ लगाता है। ही स्टूड डिफिटेड, और वह हार कर खड़ा हो जाता है। हिज क्राई सप्रेस्ड इन टू सॉब्स, उसकी चीखें जो है वो सिसकियों में, है ना, सिसकियों में बदल जाती है, सुबकने लगता है वो। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी ही दूर पर वहां हरे घास में क्या देखता है, थ्रू हिज फिल्मी आईज, उसकी रंगीन आंखों के जरिए क्या देखता है, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि कुछ
आदमी और औरत बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। वह क्या करता है, देखने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है उत्सुकता पूर्वक कि हो सकता है मेरे माता पिता यहाँ पर इन लोगों के बीच में हो। अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, यानी लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे तो हो सकता है यहाँ पर मेरे माता पिता हो। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमोंग दिस पीपल। लेकिन इन लोगों के बीच में भी उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। जिन लोगों को उसने देखा था जो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, वो सिर्फ उनके ही बारे में हंस रहे थे और बात कर रहे थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतना जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक बार फिर मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश विद देवराज सर नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जाकर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो समझ में नहीं आता है उसके बारे में कमेंट कीजिए। आपको इसकी लिंक के साथ पिछली लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें यदि आपने पिछले जो हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है लेसन फर्स्ट का पहला पार्ट, तो आप उसमें जाके भी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।